और फरीद फारिग, अली रिज़वी, उसके अलावा पारस मसरूर, और उनसे बात करते हैं, उनके कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं, और सबसे पहले ये पूछते हैं कि उनको क्या कौन सी खुशबू पसंद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। और आज तो खुशबुओं का शहर लग रहा है, मतलब अपना सेट मुझे। अच्छा आप मुझे बताएं, आपको परफ्यूम कौन सा पसंद है? पहला सवाल ये। यार परफ्यूम मैं कोई ज़्यादा इस्तेमाल करता नहीं, भाभी गिफ्ट करती होंगी ना? कोई मुझे दे देता है तो वो मैं लगा लेता हूँ, अगली दफा हर दफा बदल जाता है, तो कोई एक कोई भी दे दे वही यूज करते, लेते नहीं है। जो मुझे गिफ्ट करता है वो कोई भी तो नहीं होता मेरे लिए, लेकिन नहीं मतलब वही बात ना कि गिफ्ट मिलते हैं तो ठीक है, आपको लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। भाभी देती है? हाँ भाभी क्यों नहीं देती है ना, देखा भाभी सुन रही है, कितने प्यार से आपका नाम ले रहे हैं। पारस आप बताए। बस खुशबू जैसी भी हो, खुशबू होनी चाहिए, खुशबू अच्छी लगती है बस, कोई खास ब्रांड मैंने फिक्स नहीं किया आपने ये वही। पारस कह रहे हैं बस खुशबू अच्छी लगती है, बहुत सी लड़कियों का नाम भी खुशबू होता है। ये ऐसा भी होता है, लेकिन आपने जो सवाल किया स्पेसिफिकली उस हवाले से मैंने कोई ब्रांड फिक्स नहीं किया, बस जैसा भी है यूज कर लेते हैं ऐसे कोई। और अली आप बताइए। मेरा जवाब जो है बिल्कुल तकरीबन ऐसा ही है, ये नहीं कि परफ्यूम शॉप का स्लोगन है खुशबू सबके लिए तो मैं बिल्कुल ऐसे ही कहूँगा, ऐसा नहीं है, खुशबू कोई भी हो उसमें लगा लेता हूँ, परफ्यूम जो कोई चूज़ी नहीं हूँ मैं ज़्यादा परफ्यूम्स के मामले में। आप लोगों को भी गिफ्ट्स मिलते हैं? हाँ मिलते हैं, गिफ्ट मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मुस्कुराहट है आपने देखी ना? मैंने कहा ऑन एयर बैठा हूँ, सोच रहा हूँ कि क्या बोलूँ, किस तरह बोलूँ जब तक ये सोचे। राशिद भाई ने तो बता दिया उनकी शादी बहुत पुरानी है ना, इन लोगों ने शायद शादी नहीं हुई ना दोनों की अभी तक, फिलहाल नहीं हुई, बच्चे हैं अभी यार। चले जी हम ऐसा करते हैं कि चल के देखते हैं परफ्यूम चौक का एक छोटा सा प्रोमो और फिर वापस आते हैं, इनसे करते हैं बातें, उसके बाद आपकी मैं मुलाकात करवाऊंगी मारिया जाहिद से जो है सिमरन। अब सिमरन के बारे में जानेंगे सिमरन से खुद ही, फिलहाल चल के देखते हैं परफ्यूम चौक का ये टीजर। सदी अरे सदी अरे सदी अरे परफ्यूम चौक, परफ्यूम चौक। मुझे इतना पसंद है ये गाना, ये प्रोमोज और ये टीजर्स जो इसके चलते हैं, मतलब बस आप आज देखिएगा ये 5th अक्टूबर आज से ऑन एयर हो रहा है, मंडे ट्यूसडे वेनसडे डेली देखिएगा और 7:30 बजे आएगा, फिर मुझे कल बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आपको क्या लगता है कि राशिद भाई ये कितना डिफरेंट, हम लोग हमेशा आम बात नहीं करें लेकिन ये वाकई डिफरेंट लग रहा है दूसरे प्ले से, आप बताइए कितना डिफरेंट? मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश चीज़ देखने वाले देखेंगे, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, बिल्कुल नई चीज़ है, इस तरह इस स्पेस में इस तरह काम नहीं हुआ है अभी, और जिन लोगों ने बनाया है वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत संजीदगी के साथ, हालांकि मज़ाइया ड्रामा है और बहुत सीरियस इश्यूज़ को बहुत लाइट हल्के अंदाज में लोगों तक पहुंचाया है, उसको महसूस कराया है, तो मुझे यकीन है कि बहुत पसंद किया जाएगा। स्क्रिप्ट कैसा है? परफ्यूम चौक मतलब नाम सुनते हैं खुशबू सबके लिए, आपको होता है कि नहीं यार कुछ डिफरेंट होगा, तो यकीनन मतलब सिर्फ नाम डिफरेंट नहीं है इसका, प्ले भी डिफरेंट है। बिल्कुल। अच्छा आप मुझे अपने कैरेक्टर्स के बारे में बताइए, पारस आपका क्या कैरेक्टर? मेरा कैरेक्टर एक कसाई का है, कसाई का बेटा है और बहुत ही ज़्यादा जो है बनावटी चीज़ों को पसंद करता है, मोहल्ले में एक लड़की उसे पसंद है, दोस्त यार हैं उसके, एक नॉर्मल हैप्पी गोले की किस्म की मॉडर्न वो है, मॉडर्न कसाई है, और वो गले में चेन और ये वो कड़े वड़े पहने हुए हैं और रंगीली भड़कीली शर्ट्स पहनता है, मतलब लाइफ को उतना सीरियसली नहीं लिया उसने, बिकॉज उसके फादर का ऑलरेडी बिजनेस सेटअप था और वो गोश्त वोश्त काटना ये वो, और उसको नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं है, पैसे वैसे हैं उसके पास, तो वो कहता है कि मैं बुचर हूँ और मीट सेलर हूँ और फलाना, तो इस तरह से है। और जितनी बात परफ्यूम चौक के कॉन्सेप्ट की है तो फ्रेश इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी हम जब देखते हैं तो बहुत सारी दीवारों पर इधर उधर परफ्यूम चौक परफ्यूम चौक परफ्यूम चौक लिखा हुआ, तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से आइडिया आया है तशामुद्दीन भाई को, तो उन्होंने जो डायरेक्टर हैं इसके तो उन्होंने खुर्रम अब्बास ने लिखा इसको पूरा, तो ऑल
सेटअप ऐसा हुआ कि एक नई फ्रेश चीज़ एक्सपेरिमेंटल सामने आई है. जो गाना आप सुनते हैं इसका ट्रैक, ये भी खुद ही मिलके बनाया गया और सबने मिलके उसमें एफर्ट डाला. पूरी कास्ट ने मिलके ही बनाया जी. सब जो मेन आवाज वोकल्स हैं वो एहतिशाम उद्दीन डायरेक्टर साहब हैं हमारे. एहतिशाम की है, खुद की है ना, बहुत खूबसूरत कसम खुदा की है. अच्छा वो मुस्तकीम कसाई, आपका नाम इसमें क्या है पूरा? मुस्तकीम, मुस्तकीम कहते हैं और कहते हैं कि कसाई कसौड़ा है ये. मुस्तकीम मुस्तकीम कसाई की आई है ये. हम प्रोमो दिखाते हैं, देखिए फिर हमें कॉल करके बताइए कि आपको कैसा लगा. और नंबर है 2632310 या फिर SMS करें. राइट SMS में जाके हम लिखें, स्पेस दें अपना नाम, अपने दिल की बात, कोई भी सवाल और भेज दें 6622 पे. तब तक मैं आपको दिखाती हूँ ये प्रोमो मुस्तकीम का. मुस्तकीम तो ही शौक, एक बच्चिया गिराना और दूसरी वेस्पा सजाना, तीसरा शौक भी है लेकिन वो बताऊंगा नहीं. आओ ना कभी परफ्यूम चौक. परफ्यूम चौक.